बहराइच जिले के मीरूबा तहसील में नवयुग इंटर कॉलेज के पास अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ हो रहे जातिवादी उत्पीड़न और हमले के संबंध में एक कैंडल फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में कई ग्राम सभा के बहुजन समाज के डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समिति तथा काफी संख्या में टीचर, बच्चे और उनके परिजन एवं कई ग्राम के प्रधान मौजूद रहे। नवयुग इंटर कॉलेज से फ्लैग मार्च पैदल यात्रा कर मीरूबा कस्बा होते हुए तहसील कार्यालय उपजिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को ज्ञापन देकर समाप्त हुआ। यहाँ हमारे सहयोगी नील मौर्य ने वार्ता की। मेहनपुरवा क्षेत्र में एक कैंडल मार्च निकाला गया है, जो एक मेधावी छात्र था जहाँ जलौन में जिले में, तो उस बच्चे के उत्पीड़न के कारण निकाला गया है ये कैंडल मार्च। और मेहनपुरवा में नवयुग स्कूल के पीछे से होते हुए जरही रोड होते हुए और तहसील कार्यालय ये फ्लैग मार्च कैंडल मार्च यात्रा निकाली गई है बच्चे के न्याय के लिए। और इसमें बहुत से सारे ग्राम प्रधान और सहयोग, मतलब इस क्षेत्र के सभी लोग सहयोग में हैं। और अपने इस वीडियो में आ रहे हैं वहाँ से पूरी कैंडल मार्च निकालते हुए और पूरे मार्केट कस्बे के अंदर रखे हुए आए हैं। इसमें विषय ये था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग का उत्पीड़न एवं खास अनुसूचित जाति के छात्रों के जातिवाद उत्पीड़न जानलेवा हमला के संबंध में ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब इसमें क्या है मामला कि जलौन में, जो राजस्थान राज्य है, उसमें जलौन जिले में एक छात्र को पीट पीट कर शिक्षक ने मौत के घाट उतार दिया और उसको न्याय न मिलने के कारण आज यहाँ पे बहराइच जिला के मेहनपुरवा तहसील में अम्बेडकर समिति के कार्यकर्ता लोग ने कैंडल मार्च निकाला है और यहाँ पे ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के लिए उप जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को मेहनपुरवा तहसील में पहुँचने वाले हैं। और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये उत्पीड़न जो है बहुत दयनीय है और ये बच्चों का उत्पीड़न शिक्षक को ऐसा नहीं हो करना चाहिए कि जो एक शिक्षक बच्चों को मारे और मारने के इतना मार मार दे कि वो अंतिम सांस न ले पाए। और इसी के चलते पूरी दुनिया भर में बच्चों के द्वारा आक्रोश है और उस शिक्षक को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और मैं अभी इसमें जितने भी लोग आए हुए हैं इन लोगों से मैं वार्तालाप करूंगा और अभी मैं पूछता हूं कि ये कैंडल मार्च और आप लोग इन बच्चे का कितना सहयोग करेंगे और क्या क्या सहयोग करने वाले हैं जिसके वजह से बच्चे को न्याय मिले। दिल्ली हाईकोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है बच्चे का, जिसमें जो दोषी है टीचर वो अपना बचाव के लिए सारी हदें पार कर दी है, इसलिए बच्चों को न्याय न मिलने के कारण ये पूरे देश में ज्ञापन और कैंडल मार्च जगह जगह निकाला जा रहा है। आगे की बातें मैं, जो लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, जो अध्यक्ष हैं अम्बेडकर के समिति के, उनसे अभी मैं वार्तालाप करूंगा और वार्तालाप में मैं आपसे बताऊंगा कि ये लोग किस हद तक जाएंगे और कहां तक जाएंगे। अभी आपने देखा कि यहां के जो जनता थी इंद्र मेघवाल के कैंडल मार्च के नाम से निकाला गया था और यहां पे ये जो जिला अधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी और थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन देके शांतिपूर्वक लोग जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। मैं इन लोगों से पूछ लेता हूँ कि ये जो इंद्र मेघवाल जी का जो टीचर द्वारा पीट पीट का हत्या कर दिया गया था, उसके अपने क्या निर्णय ले रहे हैं लोग और कितने, मतलब कितने सहयोग करने वाले हैं लोग इसमें और क्या करने, उनसे बात करते हैं। पहले तो आप बताइए, जो इंद्र मेघवाल का जो आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाल मिला है, उसके प्रति आप क्या करना चाहते हैं?
कि आज के समय में भी बस एक चरण और एक थोड़ा तेज आवाज में बोलिए और जैसे यहाँ तक एक दलित छात्रा को मार दिया गया उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने सुना कि यहाँ के लोग सबका यही कहना है कि जो इंद्र मेघवाल को छात्र टीचर द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दिया गया था इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इंद्र मेघवाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इंद्र मेघवाल के बारे में ये कहना चाहते हैं हर बार जब अत्याचार होगा दलित समाज के ऊपर ही होता है। अभी सबर समाज के ऊपर अत्याचार हो जाता तो उनको किसी को 50 लाख मुआवजा एक सरकारी नौकरी तो हमारी भी इस तरीके से मांग है किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। ये मनुवादी सरकार आप कहना चाहते हैं या क्या कहना है? ये बिल्कुल मनुवादी सरकार है। अभी कोई सबर समाज का व्यक्ति होता अभी मान लो कोई सबर समाज का व्यक्ति होता अभी राजस्थान में जो कांड हुआ था उसको 50 लाख मुआवजा दे दिया। अगर ऐसे भी हम नहीं चाहते 50 लाख का मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले समाज सुरक्षा और जिसने प्रताड़ित किया उस टीचर ने उसको फांसी की सजा होगी। तो यह सौंपा है और ज्ञापन महामहिम तक जाएगा और उसके बाद से नहीं अभी आगे देखा जाता है कि पूरे प्रदेश में ऐसा ज्ञापन दिया जा रहा है और मैं जो अपना छात्र जो एक्सपायर हो गया है मारने से अब उसको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है ये सरकार के ऊपर है। आगे ऐसा ही कैंडल मार्च अगर नहीं रहेगा तो ऐसा ही चलता रहेगा और ऐसा ही लड़ाई आगे तक लोग लड़ते रहेंगे। इस आयोजन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और लोगों ने जातिवादी विचारधारा के व्यक्तियों एवं शिक्षकों को दंडित किए जाने की मांग की। साथ ही लोगों ने कहा कि भारत के सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निर्भय शिक्षा हासिल करने की गारंटी दी जाए। पीड़ित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने की मांग की। यहाँ SDM ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी CO थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह को ज्ञापन देकर अपनी बात महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाने की अपील की गई। आप देख रहे थे द दशक 24 की रिपोर्ट।